बिल्कुल, एक तरफ राम देखिए जहां से आप बात कर रहे हैं कि अयोध्या में लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, जो वैरागी हैं उनके लिए मंदिर और ये सब एक बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इन मंदिरों से परे भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है, तमाम दिग्गजों की बात हो रही है, उस बीच कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो दागी हैं। तो क्या ये दागी जीत दिला पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल इस बार बन जाता है, जिसमें 693 उम्मीदवार हैं, जो कुल उम्मीदवार है। इनमें दागियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो 27% दागी आ जाते हैं, जिन पर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज है। सबसे ज्यादा दागी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, जो 42 उम्मीदवार है, कुल समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हुए दागी है। बीजेपी में भी दागी उम्मीदवार है, 25 उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी में जो की दागी है। बसपा की बात करें 23 उम्मीदवार, कांग्रेस में भी 23 उम्मीदवार है इस बार पांचवें चरण में जो दागी है। अपना दल इसमें 4 उम्मीदवार है जो दागी है, जो किसी किसी तरह का मुकदमा उन पे चल रहा है। ऐसे में ये दागी उम्मीदवार जीत दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, ये एक बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जब आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था की एक तरफ तो आप वाहवाही कर रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सपा राज में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो वहां पर बीजेपी में भी दागी शामिल हो जाते हैं।